चंडीगढ़ में डोर टू डोर कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाले सफाई मुलाजमों की तरफ से आज सेक्टर 17 में रोष प्रदर्शन किया गया। सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर इन मुलाजमों की तरफ नगर निगम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। रोष जता रहे इन सफाई मुलाजमों ने मांग की है कि डोर टू डोर कूड़ा करकट उनकी तरफ से इकट्ठा किया जाता है, लेकिन नगर निगम जबरदस्ती इनको अपने अधीन लाना चाहती है, जिसके खिलाफ वह विरोध जता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह लंबे समय से खुद डोर टू डोर कूड़ा करकट इकट्ठा करते आ रहे हैं और उनकी तरफ से गीला और सूखा कूड़ा अलग तरीके से इकट्ठा भी किया जाता है, लेकिन नगर निगम के इस फैसले को वह पूरी तरह से रद्द करते हैं। इस मौके इन व्यक्तियों के हक में सफाई मुलाजम यूनियन भी उतर आई। सफाई मुलाजम यूनियन के आगुओं ने कहा है कि वह डोर टू डोर कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाले सफाई कर्मियों के साथ है। अगर उनकी मांगों के प्रति कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता तो सफाई मुलाजम यूनियन की तरफ से संघर्ष और तेज किया जाएगा। हमारा जो कहना होगा, इसलिए जो आज ये धरना दे रखा है, ये भी जो मेरे साथी डोर की डोर वाले जैसे सुरेंद्र कागड़ा जी, दुल्ला जी, गलबाग जी, शमशेर लोटिया जी, हमारे ओम प्रकाश सैनी जी हमारा साथ थे, जब भी डिमांड वो चले रही है, अभी भी आज भी मीटिंग हुई थी, अभी भी मीटिंग से आया था मैं। हमारी जो डिमांड है दो, एक तो शनिवार की, एक गुड़ तेल साबुन, एक 15 छुट्टी। मैं ये आप पूछना चाहते हैं, यहाँ मैं बताना नहीं चाहूँगा, आज इनका संपत्ति में आया था मैं इनका संपत्ति में आया था मैं आज इनका जो अगर जैसे ये कलेक्शन करते हैं घर घर, कॉरपोरेशन ने काम नहीं दिया, ये काम इनका था खुद प्राइवेट काम है, ये गीला सूखा करके अलग अलग देते हैं। मैं इनके साथ में हूँ, अगर इनके साथ नजायज होगी तो सफाई कर्मचारी यूनियन नंबर 63 कृष्ण कुमार चड्डा, पूरी यूनियन, पूरे सफाई कर्मचारी, ड्राइवर भाई, मेरे साथी सारे चक्का जाम करेंगे बिल्कुल। जिनके साथ आज नजायज हुई, 4 बजे मीटिंग है, निर्णय नहीं लिया, फिर शहर को फिर बंद करेंगे। वही दूसरी तरफ सफाई मुलाजमों के इस रोष धरने में साबका मेयर राजेश कालिया भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि वह नगर निगम के अधिकारियों और सफाई कर्मियों के बीच में तालमेल करवाने का काम कर रहे हैं और डोर टू डोर कूड़ा करकट उठाने वालों की मांगों को नगर निगम की तरफ से मान लिया गया है। इनकी समस्या है जो है कि ये लोग नगर निगम गाड़ियां लेकर आ रहे हैं। हम नगर निगम का मानना और हमारा सबका भी मानना, मेरा भी व्यक्तिगत ये है कि हम बढ़िया तरीके सुयोजित तरीके से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर को जो है हम लोग बढ़िया तरीके से इनको वो करें। इनकी दो डिमांडें थी, एक तो इनकी ये डिमांड थी कि हमारा जो पैसा है वो हमें मिले, दूसरा जो हम कबाड़ बेचते हैं वो भी हमें मिले। हम कॉरपोरेशन ने दोनों की मांगे मांग ली और आज मैं मीडिएटर के तौर पर सैनिटेशन कमेटी का चेयरमैन होने के नाते और दूसरा इस समाज को सदाई मैंने रिप्रेजेंट किया और वाल्मीकि समाज से संबंधित होने के कारण इनके बीच में इनकी और जो कॉरपोरेशन का तालमेल है बराबर रहे, उसके लिए मैं इनके बीच में आया। जो भी इनकी डिमांडें होंगी इनको बोल दिया गया है कि उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, आज सैनिटेशन कमेटी में 4 बजे मीटिंग है और जो भी इनकी जायज डिमांडें हैं मेरा लगता है कि वो हम लोग तुरंत पहले ही मान लिए हम लोगों ने डिमांडें, लेकिन एक क्लियर करने की ज़रूरत है। डिमांडें तो इन लोगों की दो ही डिमांड थी मेन, वो डिमांड क्या थी कि कूड़ा इनका और कूड़े का पैसा इनका और कलेक्शन इनकी, लेकिन आज नगर निगम में थोड़ा सा ये है कि वो कलेक्शन मीटर के बिल में लेंगे कैसे लेंगे उसके ऊपर थोड़ा विवाद है, वो बैठकर शॉर्ट आउट हो गए। आम लोगों के घरों से डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले सफाई मुलाजमों की मांगों को नगर निगम ने फिलहाल मानने का आश्वासन दिलाया है, लेकिन मांगे पूरी ना होने पर सफाई मुलाजमों ने अपने संघर्ष को और तेज करने की चेतावनी भी दी है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।